नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और 9 बजे का जो आपका सेशन होता है वो आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी और आपके एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए जो होता है वो नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन होता है। तो आप लोग नियमित रूप से जो है दोस्तों हमारे साथ जुड़ के और नागरिक शास्त्र के प्रश्नों का जो है अभ्यास कर सकते हैं। तो 9 बजे का सेशन आप सभी को पता है दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सेशन है। यदि आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप नियमित रूप से जो है हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइए। इसमें आपके लिए जो है इस समय भारतीय संविधान को जो है मैं लेके चल रहा हूँ और भारतीय संविधान की आज जो है आप लोगों की आई थिंक 12वीं क्लास है। जी बिल्कुल। तो हम लोग जो है भारतीय संविधान को अब लगभग खत्म करने वाले हैं। 4-5 क्लास और लगेगी और भारतीय संविधान को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग नियमित रूप से प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों और उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने जो है आप लोगों ने सफलतापूर्वक जो है वो एकदम सही सही जो है अपना फॉर्म भर लिया होगा। फॉर्म भरने के बाद आप लोग जो है एक बार फॉर्म को अपने चेक भी कर लीजिएगा दोस्तों। सब लोग फॉर्म चेक कर लेंगे, यदि फॉर्म में कोई गलती हुई हो या कुछ उसमें सुधार की आवश्यकता हो तो आप लोग जो है दोस्तों उसको कर लेंगे। चलिए, तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप लोग जो है जुड़ना शुरू हो गए हैं। चलिए, गुड इवनिंग, जय हिंद मोहित जी। तो अब हमारे साथ जो है आप लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। तो इसके बाद यदि बात करें दोस्तों तो नागरिक शास्त्र के सेशन के अलावा जो है आप लोगों को सुबह 8 बजे जो है वो ज्योग्राफी का सेशन मिलता है। और आप लोग दोस्तों यदि नागरिक शास्त्र के सेशन का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप के लिए जो है 250 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। 250 रुपये का पेमेंट आप लोग जो है अपने गूगल पे, फोन पे या भीम के माध्यम से 7007701847 इस नंबर पे आप लोग जो है पेमेंट कर देंगे और उसके बाद से आपको नियमित रूप से जो है क्लास का कंटेंट पीडीएफ के रूप में आपको जो होगा वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो आपके रिविजन के लिए जो होगा दोस्तों अत्यंत सहायक होगा। तो आप लोग जो है आवश्यक रूप से जो है ले लीजिए इसको भी। उसके बाद बात करें दोस्तों तो सुबह 8 बजे का जो आपका सेशन होता है, 8 बजे का सेशन आपके ज्योग्राफी का होता है। तो जो लोग ज्योग्राफी विषय से जो है वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे साथ जो है सुबह 8 बजे जुड़ जाया करिए ज्योग्राफी में के जो है वो प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके जो है राजनीतिक सिद्धांत और जो है विचारकों की क्लास जो है वो शुरू हो गई है। आप लोगों को क्लास जो है मिल भी रही है। तो आप लोग नियमित रूप से दोस्तों अपनी तैयारी को जारी रखिए। आपको यदि आवश्यकता है राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए जो है आपको 1499 रुपये का भुगतान करना होगा और आप लोगों को जो है आपका जो पूरा सिलेबस है वो मैंने क्लियर किया है, उसकी भी वीडियो आप सभी लोगों ने देख रखी होगी। आज जो है दोस्तों आज आपके राजनीतिक सिद्धांत की क्लास जो है वो नहीं चल पाई है, क्योंकि कल की वीडियो यदि आप लोगों ने देखी हो दोस्तों तो उसमें जो है वो थोड़ी सी समस्या आ रही थी वीडियो में उसकी क्वालिटी को लेके। तो आज जो है मैंने पूरे सेटअप को जो है वो चेंज करने का जो है वो निर्णय ले लिया था। तो सेटअप में जो है वो परिवर्तन हो रहा था जिसकी वजह से जो है समय नहीं मिल पाया है। तो सेटअप परिवर्तित आज हो गया है, कल से आप लोगों को जो है क्लास मिलेगी और अच्छी क्वालिटी में मिलेगी। अब आपको जो है क्वालिटी के साथ कोई इशू नहीं होगा। तो आप लोग जो है यदि राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है अवश्य इसको क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जितना जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे उतना आप लोगों के लिए जो होगा बढ़िया होगा दोस्तों। चलिए, अब आते हैं अपने सेशन पे। आपका सेशन जो है आज के सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है और आप सभी लोग जो है उत्तर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है आप लोगों को जो है वो 30 सेकंड का समय मैं देता हूँ एक प्रश्न को करने के लिए और उस 30 सेकंड में आप लोग अपना उत्तर करना प्रारंभ कर दीजिए दोस्तों। चलिए, आपके लिए पहला प्रश्न जो दिया गया है दोस्तों वो दिया है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष या स्पीकर पद पर बना रह सकता है, कब तक बना रह सकता है? आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। आपको 4 विकल्प दिया गया है, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक जब तक वह चाहता है, या इनमें से कोई नहीं। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करेंगे और सभी लोग उत्तर करेंगे। चलिए, गुड इवनिंग सुरभि जी। चलिए, रंपोस अनुरागी जी गुड इवनिंग, नेहा जी गुड इवनिंग। चलें तो उत्तर करें आप लोग तेजी से दोस्तों। आपके विधानसभा अध्यक्ष के बारे में जो है वो प्रश्न पूछा गया है, अनुच्छेद सहित आप लोग जो है बताने का प्रयास किया करिए। अनुच्छेद यदि आप लोग नहीं बताएंगे दोस्तों तो प्रश्न जो है वो बहुत आसान है। तो सब लोग जो है अनुच्छेद आप लोग बता दिया करिए, किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। तो चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सुरभि जी का ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, मोहित जी संतोष जी का उत्तर जो है बी विकल्प के लिए आ रहा है। तो यदि आपने दोस्तों भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 179 को यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो दोस्तों तो 179 में इस बात का उल्लेख किया गया है
यदि जो है विधानसभा का विघटन हो भी जाता है तो उसके वजह से जो है दोस्तों आपके अध्यक्ष के पद पे जो है तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक जो है दोस्तों अगली विधानसभा जो होती है वो गठित नहीं हो जाती है। तो विधानसभा के गठन की जो पहली बैठक होती है दोस्तों ठीक उसके पहले जो है विधानसभा अध्यक्ष अपना पद त्यागता है, विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है वो खाली नहीं रहता है। आप लोग जो है इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे, आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद आप लोग जरूर याद रखिएगा, आप लोगों से परीक्षा में अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं दोस्तों, अनुच्छेद को हल्के में ना लीजिए। और मैं सारे अनुच्छेद आप लोगों को याद करने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों ने अभी तक नोट किए होंगे तो 50-60 के आसपास आपने अनुच्छेद नोट किए होंगे पहली क्लास से लेके और इस समय तक। तो आप लोग जो है क्लास में जो अनुच्छेद आप लोगों को बताता हूँ या जो आपसे पूछता हूँ उनको जरूर आप लोग नोट करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रश्न जो है वो सीधा पूछ दे, आपको प्रश्न में अनुच्छेद पूछ देगा तो आप लोग जो है कुछ नहीं कर पाएंगे यदि आप लोग अनुच्छेद को ध्यान से नहीं तैयार करेंगे। साथ ही दोस्तों आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर आप लोग नहीं करेंगे दोस्तों तो मजा नहीं आएगा, आपके अकाउंट बैलेंस से पैसा भी नहीं कटना है वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए। हमारे साथ आपका कोई विवाद भी नहीं है, सब कुछ एकदम जो है बिल्कुल सब कुछ एकदम सही है। तो आप लोग जो है मेरे लिए मेरे उत्साहवर्धन के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करिए दोस्तों, शेयर करिए, चैनल को नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न दिया है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक जो है पद पर बना रह सकता है? आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों 1 वर्ष 6 माह 3 वर्ष या 3 माह, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करेंगे और तेजी से उत्तर करेंगे दोस्तों। चलिए सुरभि जी कह रही हैं जी सर नोट करती हूँ, बहुत अच्छी बात है, चलें उत्तर करेंगे दोस्तों आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए। चलिए तो आप सभी लोग इस प्रश्न में जो है 6 माह का चुनाव कर रहे हैं, तो यदि आप 6 माह का चुनाव कर रहे हैं दोस्तों तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो है आपके विधानसभा का से यदि कोई सदस्य निर्वाचित नहीं है और उसको मंत्री जो है वो बना दिया गया है तो उसे 6 महीने के अंदर जो है वो विधानसभा की सदस्यता लेनी होती है, 6 महीने का समय दिया जाता है। यदि इस 6 महीने में विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करने में वो असफल रहता है तो उसका पद जो होता है वो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही आप लोगों को पता है दोस्तों लोकसभा में भी ऐसे ही है, यदि किसी व्यक्ति को जो लोकसभा में मंत्री बना दिया गया है और जो है वो आपके लोकसभा का सदस्य नहीं है तो उसे जो है 6 महीने के अंदर लोकसभा की सदस्यता लेनी होती है। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे, 6 महीने का प्रावधान है। विधानसभा की यदि हम लोग बात करें दोस्तों तो आपका जो अनुच्छेद है वो है आपका 164(4) में जो है इसका उल्लेख किया गया है कि 6 महीने तक जो है कोई मंत्री बिना सदस्य बने आपका जो होता है वो अपने पद पर रह सकता है, इसके बाद नहीं रह पाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है, राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन और भत्ता कहाँ कौन निर्धारित करता है? आप लोग उत्तर करेंगे, आपको दिया है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा या राज्य विधानसभा द्वारा, चारों में से किसी एक का तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। आप लोग उनको पता करिए कहाँ है, चलें सब लोग उत्तर करेंगे। वेतन और भत्ते का निर्धारण जो है वो कौन करता है? सब लोग उत्तर करें इस प्रश्न के लिए दोस्तों। राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं उनके वेतन भत्ता कौन निर्धारित करता है? सब लोग उत्तर करें। चलिए जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सुरभि जी का, संतोष जी का, विक्रम जी का, नेहा जी का, सभी लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों इस प्रश्न के लिए, बहुत ही बढ़िया। चलें तो आप लोगों का उत्तर जो होगा दोस्तों इस प्रश्न में होगा आपके डी विकल्प के लिए, डी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है दोस्तों, कहीं कोई समस्या नहीं है। वेतन और भत्ते का जो निर्धारण होता है वो विधानसभा के द्वारा किया जाता है, कितना वेतन मिलेगा, तो आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प की बात करेंगे। अनुच्छेद आपका 164(5) है, आप लोग उसको यदि आप लोग दोस्तों एक बार अनुच्छेद जैसे मान लीजिए 164 की मैं बात कर रहा हूं तो 164 को आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए और 1, 2, 3, 4, 5 में कौन कौन सी चीजें हैं उसको लिख के एक कोड आप आसानी से बना सकते हैं, एक एक शब्द लिख लेंगे तो आपको जो होगा वो इसमें जो होगा आपका अनुच्छेद कभी आपको भूलेगा नहीं। लेकिन यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, अनुच्छेद जो है यदि नहीं देखेंगे, आपके पास यदि बियर एक्ट नहीं है, आपके पास किताब नहीं है तो ये आप लोग जो है एक बियर एक्ट जरूर खरीद के मंगा लीजिए। अनुच्छेद आपके जो होगा परीक्षा में यदि पूछ दिया गया दोस्तों तो आपको जो है समस्या हो जाएगी, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखें। चलिए
इस प्रश्न को यदि घुमा के पूछ दिया गया दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन और भत्ता निर्धारित किया जाता है, तो आप जो है उसके लिए आपके लिए समस्या हो जाएगी, तो आप लोग अनुच्छेद जरूर देखा करिए। और नियमित रूप से जब अनुच्छेद देखेंगे दोस्तों तो आपको अनुच्छेद कभी भूलेगा नहीं, लेकिन एक दिन आप चाहेंगे कि अनुच्छेद बैठ के रट ले, आप नियमित रूप से एक अनुच्छेद की लिस्ट बना लीजिए। मान लीजिए 100 अनुच्छेद आपके पास हो गए, उन 100 अनुच्छेद को आप नियमित रूप से देखते रहिए, आपको जो है वो एक महीने बाद दो महीने बाद सारे अनुच्छेद जो होंगे वो बिल्कुल याद रहेंगे, कहीं कुछ भूलता उलता नहीं है यदि आप लोग जो है मन लगा के पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? आपको बताना है दोस्तों विधानसभा के सत्रावसान का आदेश कौन देगा। चलिए उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए, आपको राज्यपाल दिया है, विधानसभा अध्यक्ष दिया है, मुख्यमंत्री दिया है और विधि मंत्री दिया है, चारों में से एक विकल्प का चुनाव करके उत्तर कर दीजिए। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों, वीडियो को शेयर सभी लोग कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलें चलें, स्थगित कौन करेगा विधानसभा को? आप लोगों का इस प्रश्न के लिए सत्रावसान के लिए, चलिए तो जो आपका विधानसभा है दोस्तों इसको जो है, चलिए आपका उत्तर आ रहा है ए विकल्प के लिए, सभी लोग बात कर रहे हैं, आप लोग बताइए विधानसभा को स्थगित कौन करेगा? उत्तर करिए तेजी से, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा दोस्तों। चलिए मोहित जी कह रहे हैं गवर्नर ही करेगा, बाकी लोग भी उत्तर करें दोस्तों, स्थगित कौन करेगा विधानसभा को? इतना ज्यादा आप लोग सोच रहे हैं, चलिए तो किसी भी सदन को जो है दोस्तों स्थगित जो करता है वो उस सदन का अध्यक्ष करता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जी एडजर्मेंट की बात कर रहा हूं। चलिए तो आपके जो है सत्रावसान और विघटन गवर्नर करता है, और जो उसको स्थगित करता है दोस्तों वो आपका जो है वो अध्यक्ष करता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका ए विकल्प जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीन शब्द प्रयोग किए जाते हैं, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, तीन शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एक आपका जो है सत्रावसान होता है, जब जो होता है सत्र खत्म होता है तो उस सत्र को जो है वो सत्रावसान आपके गवर्नर के द्वारा किया जाता है, उसके बाद से जो है विघटन होता है, यदि जो है वो आपके लोकसभा या माफ करिएगा यहाँ पे विधानसभा की बात की जा रही है, तो लोकसभा को जो है वो विघटित यदि किया जाएगा तो वो भी जो होगा आपका गवर्नर करेगा, लेकिन यदि दोस्तों सत्र को स्थगित किया जाएगा तो उसके लिए जो है स्थगन का पावर जो है वो आपके विधानसभा अध्यक्ष के पास है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर अपना कॉन्सेप्ट रखिए एकदम, आपको कहीं से भी इसमें प्रश्न घुमा फिर आगे पूछेगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों, चलिए इसको जो है थोड़ा सा, चलिए दिख रहा है सारे विकल्प आपको दिख रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है आपको। पहला जो कथन दिया है दोस्तों, विचार करना है आपको दोनों कथन को पढ़ के, पहला दिया है भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। और दूसरा दिया है दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए आहर नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। तो आप लोग अपना उत्तर करेंगे, इसमें से कौन कौन सा विकल्प जो होगा आपका सही हो जाएगा, प्रश्न को समझ के और तेजी से उत्तर करिए। चलें तेजी से उत्तर करें। चलें बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ रहा है दोस्तों, इस प्रश्न में बी विकल्प की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सुरभि जी ने बताया है 400 नहीं है 500 है,
तो दोस्तों विधानसभा की अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो आपके 500 हो सकती है, आप सभी को पहले भी बता चुका हूं मैं। और जो न्यूनतम संख्या है दोस्तों वो आपकी 60 हो सकती है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो इसमें दिया है, यदि 25 वर्ष की आयु से कोई कम व्यक्ति है दोस्तों, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आप सभी को पता है 25 वर्ष की आयु जो है वो निर्धारित की गई है। तो 25 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति है वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाएगा। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो आपको इसके लिए मैंने अनुच्छेद बताया था दोस्तों, अधिकतम और न्यूनतम संख्या जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो दी गई है, आप लोग एक बार मुझे याद दिला दें। जी गोवा और सिक्किम जो है इसके अपवाद हैं बिल्कुल। चलें आप लोग बता दीजिए दोस्तों कि जो है ये किस अनुच्छेद में इसका उपबंध किया गया है कि जो है अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या जो होगी वो 60 होगी। सब लोग उत्तर करेंगे, चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग जो है जितना देर सोचेंगे उतने देर में मैं, चलिए सुरभि जी का उत्तर आया है 170 के लिए, बिल्कुल एकमात्र उत्तर जो है वो सुरभि जी के लिए आया है। चलिए कनक जी आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन यानी कॉमन सिविल कोड लागू है। दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न के लिए, जम्मू कश्मीर दिया है, मिजोरम, नागालैंड और गोवा, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक करने में जो है वो बिल्कुल कंजूसी ना करें, सब लोग करेंगे दोस्तों वीडियो को लाइक, आप सभी लोग करिए, आपको मेरा उत्साह बढ़ाने में आप लोगों को क्या बोलते हैं कोई नुकसान लगता है क्या? यदि आपको उससे मेरे उत्साह बढ़ जाने से आपको यदि कोई नुकसान हो रहा हो तो आप लोग जो है बिल्कुल ना करें। चलिए सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों, कॉमन सिविल कोड जो है वो किस राज्य में लागू है। चलिए तो आप सभी का उत्तर यदि गोवा के लिए आ रहा है तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, गोवा में जो है वो आपके कॉमन सिविल कोड लागू है, आप सभी लोग इस प्रश्न में जो है वो गोवा के साथ ही जाएंगे। चलिए गोवा में लागू इसलिए है दोस्तों, कृष्णा जी कह रहे हैं कि गोवा 44वां संविधान संशोधन, जी नहीं 44वें संविधान संशोधन से नहीं दोस्तों, पुर्तगाली काल से जो पुर्तगाली सिविल कोड लागू था वही जो है वो गोवा में अभी भी चलता आ रहा है। चलिए तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में 44वें संविधान संशोधन से जो है इसको नहीं सिविल कोड इसमें लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है, राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है। सब लोग उत्तर करेंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव और उपरोक्त में से कोई नहीं, तेजी से उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। चलें चलिए, जिन लोगों ने एक बार लाइक कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने नहीं किया उनसे निवेदन कर रहा हूं आप लोग कर दीजिए। चलें सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों, चलिए कृष्णा जी, विक्रम जी, नेहा जी, मोहित जी, कनक जी, जितेंद्र जी, सुरेन जी, अदिति जी, सभी लोगों का उत्तर जो है वो राज्य वित्त सचिव के लिए आ रहा है। बाकी लोग भी उत्तर करते हैं दोस्तों, जिन लोगों का उत्तर बचा है सब लोग उत्तर करिए। चलिए तो दोस्तों आपको दिया है राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है दोस्तों, और आप लोग यदि इतनी जल्दी जल्दी भूलेंगे, चलिए सुरभि जी का ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, इतनी जल्दी जल्दी यदि आप लोग भूलेंगे तो काम नहीं चलेगा। अभी चार दिन पहले आप लोगों को जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जब मैंने बताया था, और जब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात मैं कर रहा था आप लोगों से, तब मैंने आपको कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो आपका होता है वो केंद्र और राज्य दोनों के जो है वित्तीय लेखों पे नियंत्रण रखता है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही होगा, बाकी कोई विकल्प सही नहीं होगा। आपके जो है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ये कार्य है राज्य के वित्तीय लेखों पे जो है वो नियंत्रण रखना, केंद्र और राज्य दोनों के वित्तीय लेखों पे नियंत्रण जो है वो आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा रखा जाता है। आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प का चुनाव करिएगा, आप लोग ऐसा ना किया करिए, अच्छा नहीं लगता है जब सभी लोग प्रश्न को गलत कर देते हैं। चलिए राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है किसके द्वारा जो होता है संचित निधि का संचालन, उत्तर करेंगे आप लोग राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, तेजी से उत्तर करिए।
चलें सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। संचित निधि का संचालन आप लोगों को उत्तर करना है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे से ध्यान रखिएगा आप लोग। संचित निधि का संचालन कौन करता है, सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न में। चलिए डी विकल्प के लिए, ए विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। चलिए बिल्कुल इस बार भी जो है आप लोग ठीक हैं, जो लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं इसमें से जो है कोई नहीं करता है। राज्य की संचित निधि जो होती है दोस्तों वो आपके विधानमंडल के द्वारा जो है उसको नियंत्रित किया जाता है। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए हो जाएगा। आप लोग जो है या स्टेट लेजिस्लेटिव की बात कर सकते हैं, बिल्कुल विधानसभा करती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न में आपका जो होगा उत्तर डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग डी विकल्प की बात कर रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे तो आप लोग जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो है वित्त मंत्री के साथ ना जाइएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। विधानसभा के द्वारा जो है आपका संचित निधि का जो है वो संचालन किया जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है किसी राज्य के मुख्यमंत्री के से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। आपको जो है इसमें से पहचानना है कि मुख्यमंत्री के बारे में जो है एक कौन सा सही नहीं दिया है। जी पहला दिया है मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा दिया है सामान्यतः मुख्यमंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। तीसरा दिया है दोस्तों कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। और चौथा दिया है दोस्तों मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। आप लोग चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। चले सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए। जी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों आपके सी विकल्प में लिखा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का जो है वो निर्वहन करता है। जी नहीं दोस्तों, राज्यपाल के पास जो है वो विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, समस्त कृत्यों का निर्वहन जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह पे नहीं करता है। ये जो है मुख्यमंत्री की सलाह के साथ जो है अपने विवेकाधीन शक्तियों का भी प्रयोग करता है। इसलिए आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वो सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, आप यदि सी विकल्प की बात कर रहे हैं तो। बिल्कुल सभी लोगों का उत्तर जो है सी विकल्प के लिए आया है। जिन लोगों ने इधर उधर किसी विकल्प का चुनाव कर लिया है आप लोग जो है अपना करेक्ट कर लीजिए, बाकी सभी सही दिया हुआ है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, आप सभी को पता है दोस्तों कि बहुमत दल के नेता को जो है वो मुख्यमंत्री बनाता है राज्यपाल। साथ में जो है मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की, लगभग सभी बैठकों की यदि वो उपस्थित है तो वही उसकी अध्यक्षता करेगा। और जो है मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तो आपका उत्तर जो है ये तीनों जो विकल्प आपको दिए हैं वो सही दिए हैं, लेकिन जो है यहाँ पे तीसरे विकल्प में आपको दिया है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कार्यों का प्रयोग कृत्यों का प्रयोग करता है, समस्त कृत्यों का नहीं, क्योंकि राज्यपाल के कृत्य दो तरीके के होते हैं। एक में जो है दोस्तों वो मुख्यमंत्री की सलाह जो है या मंत्रिपरिषद की सलाह मांगता है राज्य की, और दूसरे में जो है दोस्तों वो अपने विवेकाधीन शक्तियों का भी प्रयोग करता है। तो आप जो है इसको सी विकल्प के साथ जाइए, उत्तर सी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो आपको प्रश्न दिया है दोस्तों इसको थोड़ा सा जो है मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, ज्यादा ही कुछ बड़ा हो गया है आप लोगों को। चलिए तो आपको बताना है दोस्तों कि चलिए निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन करिए। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य का आप लोगों को दिए गए सहायता की कूट से चयन करना है दोस्तों, तेजी से आप लोग करेंगे। पहला दिया है मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करता है। दूसरा दिया है दोस्तों मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। तीसरा दिया है दोस्तों मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। चौथा दिया है दोस्तों मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता है। आप लोग इसमें से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिए। चलिए तो आप लोग सी विकल्प की, जो लोग सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं वो आप लोग जो है आप लोग बताएंगे कि क्यों आप लोग जो है सी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलिए
एक दो तीन की बात आप लोग कर रहे हैं। चलिए मैक्सिमम लोगों का उत्तर सी विकल्प के लिए, अच्छा कूट दिया है इसलिए आप लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, आज आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, नाराज हैं क्या आप लोग हमसे? यदि नाराज हैं तो आप लोग बता दीजिए, अपनी नाराजगी का कारण जाहिर करिए। आपकी नाराजगी तब तक ठीक नहीं होगी दोस्तों, नाराजगी उसी समय तक ठीक उसी समय ठीक लगती है जब जो है आपकी नाराजगी के लिए आपको मनाने वाला हो। तो यदि आप हमसे नाराज हैं तो मैं आपको जो है मना भी लेता हूं। चलिए तो इस प्रश्न के लिए आप लोगों का उत्तर जो है, जैसा कि मैं देख रहा हूं, चलिए नमस्कार प्रदीप जी, आज भी आप लेट हो गए हैं। चलिए दोस्तों इसमें आप लोगों को जो है देखना था कि कौन कौन सा जो है वो इसमें संवैधानिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। चलिए संवैधानिक कर्तव्य के आधार पर आपको जो है, आप सभी लोगों को अपने प्रश्न का जो है वो चुनाव करना था। चले तो पहला दिया है दोस्तों, मुख्यमंत्री राज्य के कर्तव्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सुनिश्चित करता है, ये इसका संवैधानिक कर्तव्य है। और जो है मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को सूचित करेगा, ये भी जो है इसका संवैधानिक कर्तव्य है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास की परिषद की बैठकों में भाग लेता है दोस्तों, ये इसका संवैधानिक कर्तव्य नहीं होके जो है ये इसका प्रशासनिक कर्तव्य है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसका जो है दोस्तों प्रशासनिक कर्तव्य है, तो आप लोग ये है इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रशासनिक कर्तव्य है इसका जो है आपके राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना, संवैधानिक कर्तव्य जो नहीं है, संवैधानिक बाध्यता कोई नहीं है, इसलिए जो है इसका प्रशासनिक कर्तव्य के अंतर्गत जो है वो आता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है, बिल्कुल रखवाएगा दोस्तों। यदि किसी मंत्री का कोई प्रस्ताव राज्यपाल को अच्छा लगता है तो वो राज्यपाल से कहेगा कि ऐसा करिए भैया कि आप इसको जो है वो सदन में रखवाइए और इसको हो सके तो पारित करवाइए। तो ये जो है आपका चौथा भी जो है वो सही दिया हुआ है, सिर्फ एक जो है इसमें आपको सही नहीं दिया है, तो आप एक दो और चार का चुनाव कर लेंगे, एक दो और चार आपके डी विकल्प में दिया है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री के दायित्वों की परिभाषा जो है वो किस अनुच्छेद में दी गई है, या मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 162, 164, 165 और 167 आपको दिया है, चारों में से एक का चुनाव करिए तेजी से। गुड इवनिंग गिरीश पांडे जी, चलें सब लोग उत्तर करें दोस्तों। मुख्यमंत्री के दायित्वों को जो है वो किस अनुच्छेद में दायित्वों का उल्लेख है, सब लोग उत्तर करेंगे। चलिए तो आप लोग यदि अनुच्छेद 167 की बात कर रहे हैं 167 की, तो आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 167 में जो है वो आपके मुख्यमंत्री के दायित्व दिए गए हैं, मुख्यमंत्री कौन कौन से कार्य करेगा उन सबका उल्लेख जो है आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में आता है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? आपको बताना है किस राज्य में जो है सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त की गई थी, उत्तर तेजी से आप लोग करेंगे। आपको दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और दिल्ली, नाम के साथ आप करिएगा कि उनका नाम क्या था, सब लोग उत्तर करेंगे, नाम के साथ उत्तर करना है आप सभी लोगों को दोस्तों। चलें नाम बता दीजिए, यदि समय नहीं बता पा रहे हैं तो कम से कम नाम तो बता दीजिए। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कोई हुआ था? चलिए बिल्कुल, तो आप लोगों का उत्तर जो है इस प्रश्न के लिए आ रहा है सुचेता कृपलानी के लिए, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया दोस्तों। आपके जो है सुचेता कृपलानी जो है आपके 1963 में 1963 में जो है आपके, माफ करिएगा, सुचेता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश, आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। आपके 1963 में जो है ये आपके यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी, और ये जो है पहली बार किसी राज्य में जो है वो किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया था आपके 1963 में, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ए विकल्प के लिए आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जितने लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य जो है दोस्तों उसका अलग संविधान का अस्तित्व नहीं है, लेकिन चूंकि अभी बहुत पुरानी घटना नहीं है तो हो सकता है कि कोई एक आध प्रश्न आपसे उससे संबंधित पूछ लिया जाए जो, तो आप लोग जो है उसके लिए जो है इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। सदर रियासत जो है दोस्तों 1965 के पहले जो है वो सदर रियासत का जी नहीं छूटा नहीं है, आप लोग चिंता ना करिए छूटा नहीं है, वो एक ये प्रश्न छूट गया था तो मैं आगे चला गया था, अभी उस पर आ जाएंगे। चलिए आप लोग बताइए किसमें जो है किसके बाद से जो है वो सदर रियासत का पद जो है वो राज्यपाल में बदल गया था। और अब जो है राज्यपाल का पद किसमें बदल गया है, आप लोग उत्तर करेंगे। चलें तो सभी लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान के 6वें संशोधन में। जम्मू कश्मीर राज्य का जो आपका संविधान था दोस्तों, इसके पहले जो है दोस्तों जब तक जम्मू कश्मीर राज्य को जो है वो यूनियन टेरिटरी घोषित नहीं किया गया था तब तक जो है आप सभी को पता है भारतीय संविधान के जो है वो जी बिल्कुल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में जो है उसके लिए स्पेशल प्रोविजन था, जम्मू कश्मीर का अपना अलग जो है वो संविधान था। तो जो है 1965 में इसमें संशोधन किया गया, जो सदर रियासत का पद था दोस्तों उसको परिवर्तित करके जो है वो कर दिया गया था राज्यपाल। और जब से यूनियन टेरिटरी कोई राज्य बन जाता है तो आप सभी को पता है कि उसका प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है, और राष्ट्रपति जो है अपने उपराज्यपाल के या LG के माध्यम से जो है उस राज्य उस यूनियन टेरिटरी का प्रशासन करता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, सी विकल्प आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया है कि विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है। आपको बताना है दोस्तों विधानसभा के सदस्य जो है इसमें से किसके किसके निर्वाचन में जो है वो भाग लेते हैं, आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति के, राज्यसभा के सदस्य के, या राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। आप लोग चारों को देख लीजिए और उसके बाद अपना कूट में से कोई एक उत्तर चुन लीजिए। सभी लोग तेजी से उत्तर करिएगा। चले सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है आप सभी लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों। क्या चाह रहे हैं आप लोग? आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि मैं खुश रहूं, इसीलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग लाइक करिए, वीडियो को जो है वो शेयर भी कर दिया करिए दोस्तों। आप लोग अपने दोस्तों मित्रों तक वीडियो को पहुंचाने का आप लोग काम अवश्य कर दिया करिए। चलिए तो इस प्रश्न में जैसा कि देख रहा हूं आप लोगों का उत्तर जो है बी विकल्प के लिए आ रहा है, कुछ एक दोस्तों का उत्तर जो है वो डी विकल्प के लिए आ रहा है। तो आप सभी को पता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो इसमें जो है आपके लोकसभा, राज्यसभा, आपके विधानसभा और दिल्ली और पांडिचेरी के जो है वो सदस्य जो होते हैं आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उसके बाद से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की यदि बात की जाए तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है वो आपके लोकसभा, राज्यसभा, इसके जो है वो सभी सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है होता है वो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में जो है आपके जो विधानसभा के सदस्य बिल्कुल इसमें भी भाग लेते हैं, और विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भी राज्यसभा के जो होते हैं वो ध्यान लेते हैं। सिर्फ जो होता है आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग भाग नहीं लेते हैं। तो आपका उत्तर बी विकल्प के लिए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। राज्य की आकस्मिक निधि के लिए जो है आप लोगों को उत्तर करना है, तेजी से आप लोग उत्तर करिएगा। उसकी स्थापना के लिए उत्तरदायी कौन है? किसी राज्य का विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति या उपयुक्त में से कोई नहीं। चारों में से एक विकल्प का चुनाव करिए और उत्तर जो है वो तेजी से करिए। अनुच्छेद जो है आप लोग बता देंगे तो मेरा मन जो होगा वो और प्रसन्न हो जाएगा। तो आप लोग उत्तर करिए तेजी से। चले राज्य की आकस्मिक निधि के लिए आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों।
अनुच्छेद सहित आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बड़ी कृपा रहेगी आप लोग यदि अनुच्छेद बता देंगे दोस्तों। तो राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना की बात जो है भारतीय संविधान में, आकस्मिक निधि ही आप लोग बता दीजिए कि किस अनुच्छेद में दिया हुआ, कम से कम इतना तो आप लोग बता दीजिए दोस्तों। चलिए अभिषेक जी का उत्तर आ गया है 267 के लिए। तो आकस्मिक निधि का जो उल्लेख किया गया है दोस्तों आपके 267 में किया गया है, और ये जो है आपके विधानमंडल, आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना जो है वो विधानमंडल के द्वारा की जाती है, आपका अनुच्छेद 267 जो है इस बात का उल्लेख करता है। आपका उत्तर ए विकल्प के लिए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला जो कथन दिया है किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, और दूसरा दिया है दोस्तों कि राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन कौन सा जो है वो सही है और कौन सा गलत है। आप लोग अपना उत्तर उसी आधार पर चुनने का प्रयास करिएगा, कौन सा सही है के आधार पे आप लोग उत्तर चुनेंगे। तेजी से जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी से जो है दोस्तों मेरा निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नियमित रूप से आपके लिए जो होता है वो प्रैक्टिस सेशन लेके मैं उपस्थित हो जाता हूँ पीजीटी और पीजीटी के लिए। चलें आप लोग उत्तर करें दोस्तों। चलिए तो आप लोग जो है इस प्रश्न में या तो एक विकल्प का कुछ लोग चुनाव कर रहे हैं ए विकल्प का, या कुछ लोग जो है वो डी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। अधिकतम लोगों को देख रहा हूं कि आप लोग जो है डी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका जो मुख्य सचिव होता है मुख्य सचिव को जो है वो राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही दिया है। उसके बाद से जो है दोस्तों राज्य के मुख्य सचिव का जो है नियत कार्यकाल होता है। दोस्तों इसका जो है वो कार्यकाल नियत नहीं होता है, सामान्यतः जो है इसका उल्लेख जो है इसके कार्यकाल का उल्लेख कहीं पे भी किया नहीं गया है भारतीय संविधान में। और जो है दोस्तों मुख्य सचिव के पद पे जो है वही व्यक्ति जाता है जिसका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा हो, ऐसे लोगों को जो है राज्यपाल जो होता है वो अपना मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त करता है। तो आप लोग जो है इसमें दूसरा जो आपको विकल्प दिया है वो गलत दिया है, तो आप लोग इसको यदि निकाल देंगे तो केवल एक जो होगा आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग ए विकल्प के साथ जाइए। जो है इसमें ध्यान रखिएगा कि मुख्य सचिव का जो है इसको अपॉइंट जो है इसकी नियुक्ति जो होती है वो दोस्तों वो आपके राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। ये गलत नहीं दिया हुआ है, ये जो है बिल्कुल सही दिया है। एक गिलास पानी पी के और इसको जो है आप भूल जाइए, आपको भूलना नहीं चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में सही नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। भारत में उच्च न्यायालय के बारे में आपसे पूछा गया है दोस्तों कौन सा सही नहीं है। उच्च न्यायालय क्लियर कर देता हूँ, आपसे हाई कोर्ट की बात पूछी जा रही है। आपको दिया है दोस्तों द्वितीय अपीलीय उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। चलिए उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा दिया है दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तीसरा दिया है उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। आप लोग जो है इसमें से उत्तर करेंगे कौन सा सही नहीं है, तेजी से उत्तर करेंगे दोस्तों। चलिए चलो तो आप सभी का उत्तर आ रहा है दोस्तों इस प्रश्न के लिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था अनुच्छेद 217, और अनुच्छेद 217 के तहत जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आप इसमें जो है सही नहीं पूछा है, और राज्यपाल को नियुक्ति बताया जा रहा है तो राज्यपाल नहीं करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। आप लोगों का सी विकल्प जो होगा इस प्रश्न में बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग सी विकल्प के साथ ही जाएंगे, आपको अन्य किसी विकल्प का चुनाव करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे विकल्प जो है वो आपको सही दिए हुए हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, वेतन और भत्ता जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कहाँ से दिया जाता है। भारत के सामयिकित निधि से, राज्य की सामयिकित निधि से, राज्य की आकस्मिकता निधि से, या राज्य की भारत की आकस्मिकता निधि और जो है वो राज्य की आकस्मिक निधि। आपको जो है इसमें से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है, तेजी से आप लोग अपना उत्तर करने का प्रयास करिएगा।
वेतन और भत्ता दिया है दोस्तों आपको, चलें सब लोग उत्तर करेंगे। चलें तो बी विकल्प के लिए आपका उत्तर आ रहा है दोस्तों अनुच्छेद, आप लोग यदि हो सके तो ध्यान रख लीजिएगा अनुच्छेद 202 में इस बात का प्रावधान किया गया है दोस्तों कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका वेतन और भत्ता जो है वो राज्य के सामयिकृत निधि से दिया जाएगा। एक चीज इसमें जो होती है वो महत्वपूर्ण ध्यान रखने की होती है दोस्तों कि जो है राज्य की सामयिकृत निधि से जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो वेतन और भत्ता दिया जाता है दोस्तों, पेंशन नहीं दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। पेंशन जो है वो राज्य की सामयिकृत निधि से नहीं दिया जाता है दोस्तों, पेंशन जो है ये आपके भारत की सामयिकृत निधि से दिया जाएगा। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे पेंशन इसमें राज्य की सामयिकृत निधि पे जो है वो भारित नहीं है, आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की का जो पेंशन है वो केंद्र की सामयिकृत निधि पे जो है वो आपके भारित है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे जो है यदि प्रश्न में कभी जो है फंसा दे तो आप लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए, पेंशन जो होती है वो आपके केंद्र की सामयिकृत निधि से या जो है संचित निधि से दिया जाता है, और जो है राज्य की सामयिकृत निधि से जो है इनका सिर्फ और सिर्फ वेतन और भत्ता दिया जाता है। तो इनके कार्यकाल तक जो है इनके समस्त इनको जो वेतन और भत्ता इनका मिलता है यानी 62 वर्ष इनका हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है दोस्तों, 62 वर्ष तक जो है इनका राज्य सरकार ख्याल रखती है और 62 वर्ष के बाद जो है इनका ख्याल केंद्र सरकार रखती है। तो आप लोग जो है इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, भारत में 25 उच्च न्यायालय है। दूसरा दिया है दोस्तों पंजाब हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश पंजाब हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। तीसरा दिया है दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। आपको बताना है इसमें से आपका कौन सा जो है वो विकल्प सही होगा, तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें तो आप सभी का उत्तर देख रहा हूं मैं, सी विकल्प के लिए आ रहा है। वर्तमान में जो है संख्या 25 है, तो आप लोग बता दीजिए दोस्तों कि 25वां जो है 25वां हाईकोर्ट बताइए आप लोग, 25वां हाईकोर्ट कौन सा है। आप जम्मू कश्मीर को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले से था, वो जो है आपके स्थिति बदलने के बाद से जो है वो है, तो आप लोग जो है बता दीजिए जम्मू कश्मीर को यदि छोड़ दें तो आप लोग बता दीजिए कि जो है आपका 25वां हाईकोर्ट कौन सा है। चलिए विक्रम सिंह जी का उत्तर आ रहा है तेलंगाना के लिए। चलिए चलिए बिल्कुल, तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है दोस्तों, वो तेलंगाना हाई कोर्ट नहीं कहा जाता है, उसको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ही कहा जाता है। अभी 10 वर्ष का समय है उसके लिए। चलें तो आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वो तीनों के लिए सही हो जाएगा, और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो है दोस्तों वो आपका दिल्ली है जिसके पास जो है अपना हाईकोर्ट है, अन्य किसी केंद्र शासित प्रदेश के पास जो है वो हाई कोर्ट नहीं है। अब आप लोग बता देंगे दोस्तों भारत में कितने ऐसे कोर्ट हैं जिनकी अधिकारिता जो है एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, संख्या बता दीजिएगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है, किसके अधीन होगा, आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चले जम्मू कश्मीर को मैंने जो है दोस्तों वो इसलिए छोड़ दिया कि जम्मू कश्मीर में पहले से भी था, उसको जो है रीएडजस्ट किया गया है, तो इसलिए मैं उसको उसकी छोड़ के बात कर रहा था। आप लोग बताएंगे दोस्तों जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से
काम करता है, तो वह अधीन होता है इसके उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रीट की अधिकारिता से या के दूसरा दिया है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण से, और दिया है भारत के राज्यपाल की वैवेकिक शक्तियों के, और जो है दोस्तों इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के, आप लोग अपना उत्तर करेंगे तेजी से चलें। चलो बिल्कुल, चार के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है, चलिए आप लोग उत्तर करिए दोस्तों। इसमें प्रशासनिक हैसियत से आप सभी को पता है दोस्तों कि राज्य का जो आपके हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, उसके दो कार्य होते हैं, प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य। तो आप लोग बताएंगे यदि वो प्रशासनिक कार्य करेगा दोस्तों तो वो इसमें से किसके अधीन आएगा, तेजी से उत्तर करेंगे। तेजी से उत्तर करिए दोस्तों, ए विकल्प के लिए उत्तर आया है रविंद्र जी का, बाकी लोग उत्तर करें। चलिए, तो जब जो है दोस्तों आपका मुख्य न्यायाधीश जो है प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है, प्रशासनिक हैसियत जो है दोस्तों उसके जो है निचले न्यायालय हैं, प्रशासन से संबंधित जो कार्य है उसको नियंत्रित भी जो है आपका मुख्य न्यायाधीश ही करता है, तो वो कार्य उसके जो है वो प्रशासनिक हैसियत का है, और जब वो जो है वो दोस्तों कोर्ट में बैठ के सुनवाई करता है तो वो जो है उसका न्यायिक कार्य है। तो ये दो तरीके के कार्य हैं। जब वो एक प्रशासनिक अधिकारी के तरह से जो है वो नियंत्रण का कार्य करता है निचली अदालतों के, तो उस समय वो होता है दोस्तों उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की रीट के अधिकारिता के अधीन होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि उस समय जो है वो आपके उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो है वो कोई रीट जारी करते हैं तो उस रीट के अंतर्गत जो है वो आपका मुख्य न्यायाधीश भी आता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ए विकल्प आपका जो होगा वो सही हो जाएगा, आप लोग अन्य किसी विकल्प के साथ ना जाइए और सारे विकल्प जो है आपको गलत दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में तीन तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। एक ही बार में तीन तलाक कहने से तलाक गैर कानूनी हो जाएगा, चलिए क्या क्या, एक ही बार में तीन बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। बेसिकली इसमें आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों पहली बार, क्योंकि तीन तलाक पे अंतिम निर्णय जो है आपके सुप्रीम कोर्ट का है, आप लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन पहली बार किसने कहा था ऐसा। यदि आप तीन तलाक कह देते हैं, तीन बार तलाक कह देते हैं तो वो जो है गैर कानूनी है, पहली बार किसने कहा था, आप लोग उत्तर करेंगे। चले सब लोग उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। चलिए, तो आप सभी का उत्तर जो है इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए आ रहा होगा, उत्तर जो होगा बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले जो है 1994 में है आपके रामतुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश वाद में जो है वो इस बात को हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था दोस्तों, या प्रयागराज हाईकोर्ट, अब आप लोग उसको समझिए। तो आपके प्रयागराज हाईकोर्ट ने जो है अपने फैसले में कहा था कि यदि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो है वो अपनी पत्नी को एक बार में तीन बार तलाक 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 कहता है तो ये जो है दोस्तों ये गैर कानूनी होगा, आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प का जो है वो चुनाव करेंगे, आपका उत्तर जो होगा वो बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिया है अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है, आप लोग उत्तर कर देंगे दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप जो है वो किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, आंध्र प्रदेश, कोलकाता, मद्रास और उड़ीसा, सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए चलिए, जो लोग बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं वो लोग बता देंगे पीठ कहाँ पे है,
चलिए, अधिकार क्षेत्र अंडमान निकोबार का जो है वो, यदि आप लोग कोलकाता की बात कर रहे हैं तो कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत जो है अंडमान निकोबार द्वीप आता है। तो आप लोग बता दीजिए कि इसकी जो है खंडपीठ कहाँ पे है कोलकाता की, कोलकाता हाई कोर्ट की खंडपीठ के लिए आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों, इसकी पीठ कहाँ पे है, तेजी से उत्तर करेंगे। उत्तर बी विकल्प के लिए सबका सही है, बिल्कुल कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ इस चीज में है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दिया करिए, आप लोग चाहते नहीं है कि मैं खुश दिखूं, और कोई बात नहीं है। चलिए सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों, उत्तर करिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो आपके कलकत्ता हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। चलिए सुरभि जी का उत्तर आ गया है पोर्ट ब्लेयर के लिए, बिल्कुल। तो जो है इसकी खंडपीठ जो है दोस्तों आपके पोर्ट ब्लेयर में है, ध्यान रखेंगे। चलें, आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013, अब आप जो है सिर्फ मार्च याद ना रखिए, 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, आप लोग बताएंगे दोस्तों। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना से पहले जो है 2013 में कुछ हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, तो अब आप लोग बता दीजिए इसमें से किस किस राज्य में हुई थी या कौन कौन सा हाईकोर्ट स्थापित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आप लोग अपना विकल्प चुनेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों, तेजी से। चलिए तो आप सभी का उत्तर जो है बी विकल्प के लिए आ रहा है, 2 और 4 के लिए। चलिए, तो मेघालय और त्रिपुरा में तो हुआ था, एक और हाईकोर्ट इसी के साथ स्थापित हुआ था दोस्तों। पूर्वोत्तर राज्यों में 3 हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, एक और हाईकोर्ट कौन सा था वो भी बता दीजिए आप लोग। चलिए, तीसरा हाईकोर्ट जो है पूर्वोत्तर राज्य का कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए बता तो दीजिए आप लोग तीसरा। चलिए मणिपुर, ध्यान रखिएगा, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन 3 राज्यों में जो है वो आपके हाईकोर्ट की स्थापना हो चुकी है पूर्वोत्तर में, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। आपका इस प्रश्न के हिसाब से बी विकल्प सही हो जाएगा। चले आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं, आप लोग बताएंगे दोस्तों। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता में आने वाला जो है मामला आप लोगों को चुनना है। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का मामला, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से जो है वो संरक्षण, आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। चलें, तो आप सभी लोग जो है इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं। तो जो लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट को, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो आपके मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार जो है हाई कोर्ट को प्राप्त है। आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, जो लोग इसमें बात कर रहे हैं। चलिए, तो अब आप बता दीजिए, केंद्र और राज्य के बीच यदि कोई विवाद है तो किस कोर्ट में उसका फैसला किया जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच कोर्ट जो होगा वो विवाद, चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, केंद्र और राज्य के बीच होगा तब जो है ये आपका मामला जाएगा आपके सुप्रीम कोर्ट में। राज्यों के भी बीच यदि विवाद होता है दोस्तों, तो ये भी मामला आपके सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण की यदि बात आती है दोस्तों,
संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है इस। हालांकि इस प्रश्न में जो है आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है, इसमें सी विकल्प में कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन संविधान के उल्लंघन से संरक्षण ये भी आपके सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा दोस्तों। चलिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। तो ये तीनों मामले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बाकी जो है दोस्तों आपके मूल अधिकार से संबंधित मामला जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों में जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है दोस्तों, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसे कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट या याचिका को जो है कहा जाता है। आप लोग अपना उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए। कमलेश जी, पॉलिटी की जो आपकी क्लास है, पांच क्लास मुझे लगता है, पांच क्लास और लगेगा आप लोगों का खत्म करने के लिए, पांच से छह क्लास लगेगी पूरा पॉलिटी कंप्लीट करने में। चलिए उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए आप लोग दोस्तों, चलें तेजी से उत्तर करें। न्यायपालिका द्वारा रीट जारी की जाती है और कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, तो कौन सी रीट होगी दोस्तों, आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए थर्ड भी चलिए, आप लोग कोई रिलेटेड प्रश्न हो सेशन से संबंधित प्रश्न से तो आप लोग पूछा करिए, बाकी सारे प्रश्न आप लोग सेशन के लास्ट में, आप लोग बात तो करते नहीं है, लास्ट में भी थोड़ी बहुत हमसे बातचीत कर लिया करिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों जब न्यायपालिका जो है वो आपके कार्यपालिका को आदेश देती है कि आप वही कार्य कर सकते हैं या आप वही कार्य करेंगे जिसका आपको अधिकार है, आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य नहीं कर सकते, तो उसे जो है मैंडमस कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है हम आदेश देते हैं का प्रयोग किया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, मैंडमस या परमादेश इसको कहा जाता है, परमादेश। आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ जाएंगे, जब न्यायपालिका जो है कार्यपालिका को आदेश देगी तो आपका परमादेश होगा या मैंडमस होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये इसको कहती है कि जो है आप अपनी सीमा में रह के कार्य करिए, हम आपको आदेश देते हैं कि आप अपनी सीमा में रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? राज्य के उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार आपसे पूछा गया है दोस्तों, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार, चारों में से एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का मुख्य क्षेत्राधिकार इसमें से कौन सा नहीं है? आसान सा प्रश्न है, समय आपको नहीं लगना चाहिए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है वो आपके अनुच्छेद 143 के तहत जो है वो सिर्फ आपके जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, यदि जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति जो है वो कोई परामर्श मांगता है तो ये अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने का अधिकार है, हाई कोर्ट से नहीं। हाई कोर्ट के पास जो है वो सुझाव देने का अधिकार नहीं है, परामर्श देने का अधिकार नहीं है दोस्तों। चलिए आपका ये विकल्प जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में लंबित
में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। यदि किसी कार्यालय में जो है वो कोई कार्यवाही लंबित है तो उसके लिए कौन सी रीट जारी की जाएगी, आपको परमादेश, उत्प्रेषण जो है आपका प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध दिया हुआ है और अधिकार प्रेक्षा दिया है, आप लोग इसके लिए अपना उत्तर करेंगे तेजी से। चले न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू करने की पूछी जा रहा है के लिए पूछा जा रहा है दोस्तों। चले आप लोग उत्प्रेषण की बात कर रहे हैं दोस्तों, उत्प्रेषण नहीं सही होगा, बताता हूं क्यों नहीं सही होगा। आपका उत्तर जो होगा आपका प्रतिषेध सही होगा दोस्तों, आप लोग जो है प्रोहिबिशन का चुनाव करिएगा, आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही होगा। ये जो है आपके न्यायालय के जो निचले न्यायालय हैं दोस्तों उनके पास यदि कोई मामला जो है वो अधिक समय से लंबित है तो अपने निचले जो है वो आपके प्रोविजन के माध्यम से जो है वो निचली कोर्ट को जो है वो कोर्ट आदेश देता है और लंबित मामले को अपने पास मंगा लेता है, उसको जो है वो प्रतिषेध कहा जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे इस प्रश्न में। चले आप लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे, डी विकल्प पे अब आते हैं, अगले जब प्रश्न पे आएंगे तो डी विकल्प समझ में आ जाएगा। चलिए चलिए, सोनपाल सिंह जी पूछ रहे हैं सर आपका पेड कोर्स कितने का होगा और कब तक होगा। पेड कोर्स जो है दोस्त आपके पॉलिटिकल थर्ड का है, 1499 रुपए का। क्लास शुरू हो गई है, कल से नियमित रूप से क्लास मिलेगी। चलिए, एक उच्च अधिकारी द्वारा अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है, कब जो है उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है, आप लोग उत्तर करेंगे। कमलेश जी कर रहे हैं, चलिए अब उत्प्रेषण बताइए तो आप लोग अभी समझ जाएंगे अभी अपने आप। चलिए आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न में तेजी से दोस्तों। अब इसके पहले मैंने आप लोगों से पूछा था प्रतिषेध, चलिए ये दो रीट है दोनों को एक जगह, इसीलिए मैंने कहा कि अगले प्रश्न पे चलिए तो क्लियर करता हूं। सब लोग उत्तर करिए दोस्तों, आप लोग उत्प्रेषण के लिए उत्तर करिए। चलिए तो समझ के उत्तर करें सभी लोग। चलें तो आपका जो उत्तर होगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए ए विकल्प के लिए सही होगा। इसमें आपको दिया है एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण यानी रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें जो है हस्तांतरित कर दे, इसको जो है आपका उत्प्रेषण कहा जाता है। जब हाई कोर्ट जो है माफ करिएगा, जब आपके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने से निचली अदालत से ये कहा जाता है
कि आप इस फला मामले की सुनवाई कर रहे हैं और इससे संबंधित जो है जो आपका विचार है या इससे संबंधित जो आपके अभिलेख हैं उसको आप हमारे पास भेज दीजिए, तब उसको हम लोग जो है उत्प्रेषण कहते हैं, ठीक है। और जब आपसे प्रतिषेध की बात की जा रही है दोस्तों, तो ऐसा मामला जो निचली अदालत जब दोस्तों किसी मामले पे सुनवाई कर रही हो और ऊपर की अदालत को लगता हो कि ये आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, जब आपके निचली अदालत जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके किसी मामले पे सुनवाई करती है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो आपके प्रतिषेध रिट को जारी किया जाता है और उसमें ये कहा जाता है कि आप इस मामले की सुनवाई करने के जो है वो अधिकारी नहीं है, मैं आपको जो इस मामले की सुनवाई को करने से जो है प्रतिबंधित करता हूं और संबंधित मामले को आप हमारे पास भेज दीजिए, तो आप जो है इसमें जो है प्रतिषेध का प्रयोग किया जाता है और आपके उत्प्रेषण में जो कहा जाता है वो कहा जाता है कि आप मामले की सुनवाई से संबंधित अभिलेख जो है हमको प्रेषित कर दीजिए। तो दोनों में अंतर आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो आप लोग एक बार मुझे मैसेज करके बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए आप लोग, मैं समझ जाऊंगा इस प्रश्न में ए विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं, अगला दिया है इनमें से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। अब अधीनस्थ न्यायालय के कार्य पद्धति का परीक्षण करने वाली जो है वो आपको याचिका पूछी गई है, अधिकार परीक्षा दिया हुआ है, परमादेश दिया है, उत्प्रेषण दिया है और बंदी प्रत्यक्षीकरण दिया है। आप लोग तेजी से इसमें से किसी एक विकल्प का चुनाव करिएगा। अब इस प्रश्न में आप लोगों को इतना क्या सोचना है दोस्तों, ए विकल्प का तो जो लोग चुनाव कर रहे हैं दोस्तों वो सीधे समझ लीजिए कि इसका मतलब होता है आपका अधिकार नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग इस प्रश्न में फिर से उसी प्रश्न को दोस्तों जो प्रश्न अभी आपने पीछे किया है उसी प्रश्न को बस घुमा के पूछा है, जानबूझ के मैंने इसको लेके आया था। आपको दिया है उत्प्रेषण जिसमें कहा गया है कि जो है कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, तो कार्य पद्धति का परीक्षण करना होगा तो जो है उत्प्रेषण रीट जारी किया जाएगा। इसीलिए जो है दोस्तों कार्य पद्धति का परीक्षण करने के लिए ही जो है दोस्तों संबंधित मामले के अभिलेखों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने पास मंगाता है। इतनी सी बात समझ में आ रही हो आपको कि मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्प्रेषण लेख के तहत जो है वो आपका जो उच्च जो मतलब जो आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है यही दोनों जो है रिट जारी कर सकते हैं। आप सभी को पता है अपने से निचली अदालत के लिए, तो जब निचली अदालत किसी मामले पे सुनवाई कर रही है और उसके जो है कार्य पद्धति की जांच करना है यदि जो है शीर्ष अदालत को, तो वो कहेगा कि आप अपने अभिलेखों को मेरे पास भेजिए, वो उसके जो है अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति की जांच करने के लिए अभिलेखों को मंगा लेगा। और जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था दोस्तों प्रतिषेध की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि तब जो है वो कोर्ट कहता है कि भाई साहब आप ऐसा करिए कि जिस मामले की आप सुनवाई कर रहे हैं वो मामला जो है आपसे आपके बस का आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, आप उसे मेरे पास भेज दीजिए। तो आप इसको जो है अंतर समझिएगा, एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के जो है कई तरीके से पूछा जाता है, थोड़ा सा जो है अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो आसानी से प्रश्न को सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न कथन और कारण के रूप में दिया हुआ है, आप लोग कथन और कारण दोनों को पढ़ेंगे और उसके बाद अपना उत्तर करने का प्रयास करेंगे तेजी से। चलिए थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा मैं। जनहित याचिका के बारे में जो है पीआईएल के बारे में आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको दिया है दोस्तों जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देता है, और दूसरा दिया है दोस्तों जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय की मांग कर सकते हैं जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंचने में जो है असमर्थ है। आप लोग दोनों को पढ़िए और अपना उत्तर करिए, इसमें से कौन सा विकल्प जो होगा वो सही होगा। और दोस्तों आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोगों में से अभी तक जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप लोग जो है दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा शेयर करने का प्रयास अवश्य करिए। चलिए आप लोग उत्तर करेंगे। जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देता है,
दूसरे में कहा जा रहता है जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय की मांग कर सकते हैं जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंचने में असमर्थ है। चले आप लोग उत्तर करें इस प्रश्न के लिए। चलिए तो इस प्रश्न के लिए देख पा रहा हूं ए विकल्प के लिए कुछ लोगों का उत्तर आ रहा है, कुछ लोगों का सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। तो दोस्तों जनहित याचिका जो होती है, आप सभी को पता है कि जनहित याचिका में क्या होता है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसका उससे संबंधित कोई मामला है और उसके पास जो है पर्याप्त धन नहीं है, संसाधन नहीं है या उसको जानकारी नहीं है जिसकी वजह से जो है वो PIL फाइल नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में जो है दोस्तों जनहित याचिका में एक अधिकार दिया गया है कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ से। यदि मान लीजिए आप ही को लगता है कोई कमजोर व्यक्ति है, कोई जो जिसको परेशान किया जा रहा है, तो आप उसके नाम से जो है आप PIL फाइल कर सकते हैं, उसकी समस्या को इंगित करके आप जो है PIL आप भी फाइल कर सकते हैं। तो इसमें दिया है कि जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जो है वो जाने की स्वीकृति देता है। तो जनहित में दोस्तों आपके जन सहयोगी का मतलब क्या हो गया, समाज सेवी, समाज सेवी, समाज सेवी जो लोग होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं कि वो किसी की समस्या को उठा के और वो कोर्ट चले जाते हैं जो व्यक्ति जो है वो कोर्ट नहीं जा सकता है। दूसरा क्या गया है, इसका कारण बताया गया कि जन सहयोगी व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के लिए मांग कर सकता है जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंचने में जो है वो असमर्थ है। तो बिल्कुल जो है दोस्तों जो है आपके जो है इसकी व्याख्या भी सही हो जाएगी, क्योंकि जब असमर्थ है व्यक्ति तभी तो जो है वो समाज सेवी या जन सहयोगी को जो है ये कहा जा रहा है या किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार दिया जा रहा है। यदि आपको समाज में ऐसा दिख रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो परेशान है, उसके साथ जो है वो न्याय नहीं हो रहा है, तो आप जो है उस मामले को लेके हमारे पास आ जाइए और कोर्ट कहता है कि हम आपकी जो है वो सुनवाई करेंगे। और उत्तर आ रहा है इसमें जो है PN भगवती जी की बात कर रहे हैं, जी PN भगवती जी जो है इसके आपके जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। तो आपका उत्तर ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा, कथन कारण दोनों सही है और जो है सही स्पष्टीकरण है, आप लोग ए विकल्प के साथ ही जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न आपको दिया है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र समिति है, माफ करिएगा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है और कारण बताया जा रहा है तो दोस्तों कि भारतीय संविधान उधार वस्तुओं का भरा थैला है। सही उत्तर का चयन कीजिए और आप लोग अपना उत्तर भेजने का मुझे कष्ट करिए 30 सेकंड के अंदर सभी लोग। चलें सब लोग उत्तर करेंगे। न्यायिक पुनरीक्षण जो है वो सीमित बताया जा रहा है और उसके बाद कहा जा रहा है दोस्तों ये जो है भारतीय संविधान उधार वस्तुओं का थैला है। चलो सब लोग उत्तर करेंगे। चलें तो आप सभी का उत्तर इस प्रश्न में जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बी विकल्प के लिए आ रहा है, आप लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। तो आप लोग जो है भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति को जो है वो यदि बी विकल्प की बात कर रहे हैं तो आप लोग जो है वो मान रहे हैं कि जो है न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति है वो सीमित है। तो आप सभी लोग जो है दोस्तों गलत हैं। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति जो है जब 1973 में दोस्तों 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की जब का जब फैसला आ गया उसके बाद से जो है दोस्तों न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति में जो है अभूतपूर्व बदलाव आया और उसकी वजह से हुआ क्या दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो आपके अधिकार मिल गया, आपके न्यायालय को ये अधिकार मिल गया दोस्तों कि जो है वो किसी भी मामले पे जो है वो आपका न्यायिक पुनरीक्षण कर सकती है। तो आपको ध्यान रखेंगे अब जो है भारत में जो है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति जो है वो सीमित नहीं है। तो आप लोग जो है वो इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है वो दिया है सीमित है, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाएगा। और जब आपका ए स्टेटमेंट गलत हो जाता है दोस्तों तो आप सभी को पता है कि ए स्टेटमेंट गलत होने की स्थिति में सिर्फ एक विकल्प आपका सही हो सकता है और वो आपका हो सकता है डी, ए सही है और आपका जो है आर सत्य है। तो आपको जो है इस प्रश्न में उधार का थैला है क्योंकि भारतीय संविधान में जो है विभिन्न प्रावधान अलग अलग देशों से लिए गए हैं। तो आपको कभी भी दोस्तों जब इस प्रश्न में जब इस तरीके का प्रश्न आपको मिले, ट्रिक बता रहा हूं आपका समय बचाने के लिए, जब आप जो है ए विकल्प का जब आप कथन को पढ़िए और आपको यदि कथन जो है वो गलत लगता है या आप पकड़ लेते हैं कि कथन में जो चीज लिखी गई है वो गलत है,
तो आप आंख बंद करके जो है ABCD C पे जो है किसी पे जो है वो मतलब जो है विचार ही ना करिएगा, सिर्फ आप जो है ढूंढिएगा कि किसमें दिया हुआ है ए गलत है, जिसमें ए गलत दिया होगा उसी विकल्प का आप लोग चुनाव कर लीजिएगा। सामान्यतः ये आपको जो है डी विकल्प में दिया जाता है, लेकिन PCS की परीक्षा अभी हुई थी दोस्तों और उसमें देखा गया ऐसा कि जो है इसको भी आगे पीछे कर दिया, सभी प्रश्नों में जो है वो क्रम इसी प्रकार से नहीं था, किसी प्रश्न में क्रम दूसरे प्रकार से भी दिया हुआ था। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, ए है जो है वो गलत दिया है, क्योंकि न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति जो है वो आपके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो आपके जो है मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया उसके बाद से उसको जो है वो व्याख्या कर दिया गया। चलिए चलिए चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है कथन, आप फिर से पढ़िए और जो है कारण पढ़िए। कथन दिया है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। ठीक है, कहा जा रहा है कि आपका जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो अच्छी स्थिति में है आपके मूल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए। मूल अधिकार नहीं दिया दोस्तों, सिर्फ अधिकारों का संरक्षण दिया है। चलिए ध्यान रखेंगे, सिर्फ अधिकारों के संरक्षण के लिए जो कह रहा है कि इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अधिक पावर है आपके हाई कोर्ट को, और दूसरे में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में केवल जो है मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी किया जा सकता है। तो अब आप लोग बताइए कि इसमें जो होगा वो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे, इस प्रश्न में किसी एक विकल्प का चुनाव करेंगे। चलें तेजी से उत्तर करिएगा। चलें ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, कुछ लोगों का सी विकल्प और बी विकल्प के लिए भी उत्तर आ रहा है। ए विकल्प के लिए सुरभि जी ने उत्तर दिया है, बाकी लोगों ने सी बी विकल्प का चुनाव किया है, मोहित जी भी ए विकल्प की बात कर रहे हैं। अब आप पहले जो है स्टेटमेंट को समझ लीजिए, तब आप लोग कर पाएंगे। पहले में दिया है दोस्तों, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में जो है उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा जो है बढ़िया स्थिति है। यानी जो है आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है आपका मूल अधिकार जो आपका फंडामेंटल राइट है दोस्तों, आपके फंडामेंटल राइट से संबंधित किसी मामले पे ही जो है वो आपका फैसला दे सकता है। लेकिन जो है दोस्तों अनुच्छेद 226 जो है ये थोड़ा सा विस्तृत है दोस्तों, इसके तहत जो है वो आपके हाई कोर्ट के द्वारा जो है दोस्तों आपके फंडामेंटल राइट और साथ में दोस्तों अन्य जो आपके मामले हैं उस मामले में भी जो है अन्य मामलों में भी जो है ये आपका अदर राइट के लिए आप लोग बात कर लीजिएगा, या जो है अन्य मामलों में भी जो है ये रिट जारी कर सकता है। रिट जारी करने का अधिक पावर जो है वो आपके हाई कोर्ट के पास है सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, आपका जो पहला दिया हुआ है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा दिया है सर्वोच्च न्यायालय केवल जो है मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए जो ही परमादेश जारी कर सकता है, ये भी जो है बिल्कुल सही दिया है। अब इसको समझिए दोनों को कि ये कैसे जो होगा वो, अभी भी आप लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जब जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के लिए संरक्षण के लिए जो है रिट जारी कर सकता है, उसी की वजह से जो है दोस्तों आपका उच्च न्यायालय जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा जो है वो बढ़िया स्थिति में पहुंच जाता है। तो कथन और कारण जो है वो दोनों सही है, और स्पष्टीकरण भी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हाई कोर्ट के पास जो है रिट जारी करने की जो शक्ति अनुच्छेद 226 में दी हुई है वो मूल अधिकार के साथ साथ अन्य किसी भी मामले में जो है वो रिट जारी कर सकता है। यदि कोर्ट का मन कर रहा है कि मुझे इस मामले में रिट जारी करना है तो कोर्ट जो है वो रिट जारी कर देगा, हाई कोर्ट जारी कर देगा, लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट या आपके मूल अधिकार के हनन पे ही जो है वो कर सकता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। आपको बताना है दोस्तों जिला न्यायाधीश
अभिव्यक्ति के अंतर्गत जो है इसमें से कौन कौन सा जो है वो सम्मिलित होता है या कौन इसमें से सम्मिलित नहीं होगा, आप उसको एक को चुन सकते हैं। आपको दिया है मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश जो है, अधिकरण न्यायाधीश और लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों इसमें से जो है वो जिला न्यायाधीश के रूप में जो है वो, बस ये आप लोग समझिए दोस्तों कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है ये इसमें से किस पद पे जो है वो जिला न्यायाधीश कार्य नहीं कर सकता है, बाकी सारे पद पे जो है वो जिला न्यायाधीश कार्य कर सकता है। सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। अब इसी में कोई दोस्त हैं जो फोन कर रहे हैं, अरे अभी क्लास ले रहा हूं दोस्त, अभी ना फोन करिए, क्लास के बाद करिए। चलिए तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए तो इस प्रश्न में आप लोग जो है बी विकल्प का चुनाव करिएगा, सेशन न्यायाधीश इसमें जो होगा शामिल नहीं होगा, जो है आपके मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जो है न्यायाधिकरण अधिकरण न्यायाधीश और जो है लघु न्यायालय मुख्य न्यायाधीश जो होता है, ये सभी जो है आपके जिला न्यायाधीश जो है अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। आपका उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला दिया है दोस्तों भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। और दूसरा दिया है दोस्तों उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष जो है वो अभिवचन नहीं कर सकता है। आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए तेजी से। इसमें से कौन सा जो है वो सही है और कौन सा गलत है उसके आधार पे आप लोग उत्तर करिए, तेजी से करिएगा दोस्तों। समय बिल्कुल आप लोगों के पास कम बचा हुआ है, अब 10:30 हो गया है और अभी हम लोगों के पास प्रश्न बचा हुआ है, तो आप लोग तेजी से करेंगे। चले क्या समस्या आ जाती है दोस्तों आप लोगों को उत्तर करने में। तो पहला दिया है कि दोस्तों भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। बिल्कुल जिस रीति से जो है जिस नियम से आपके हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी नियम से जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाया जाता है, दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कहा जा रहा है दोस्तों कि उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष जो है वो अभिवचन नहीं कर सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये जो है आपका यहाँ पे गलत दिया है। कर सकता है दोस्तों, कहाँ कहाँ कर सकता है अभी बता रहा हूँ। आपका इसमें जो होगा केवल एक विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, जिस न्यायालय में जो है ये आपके स्थायी सेवा इन्होंने जहाँ पे दी है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कोई जो है उत्तर प्रदेश का कोई यूपी हाई कोर्ट का कोई जज है दोस्तों, आपके यूपी हाई कोर्ट का कोई जज है, तो वो जज जो है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में जो है अपनी सेवाएं नहीं दे सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य के अलावा जो है वो कहीं भी बाहर जाके और किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कर सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही वो नहीं कर पाएगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ये प्रतिबंध है, अन्य किसी में नहीं। जिस प्रदेश में उसने सेवा दी है उस हाई कोर्ट के अंतर्गत जो है वो नहीं कार्य कर सकता है, उसमें जो है वकालत नहीं कर सकता है, लेकिन अन्य किसी राज्य में जाके वो कर सकता है, इसके लिए कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल आपको ए विकल्प दिया हुआ है, आपका ए विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। सभी लोगों को ध्यान है ना दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि जिस न्यायालय में उसने कार्य किया है, जैसे मान लीजिए कि आपके जो है यूपी हाई जो है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश है, तो वो सिर्फ इलाहाबाद न्यायाधीश जो है वो, चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, तो वो उत्तर प्रदेश में जो है वो कार्य नहीं करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा सुप्रीम कोर्ट में जाके वो जो है वकालत कर सकता है और उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य में भी जाके कर सकता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग रिएक्शन नहीं देते हैं, आप लोग कुछ लिखते नहीं है तो मजा नहीं आता। चलिए, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा, किसको जो है त्यागपत्र देगा, आप लोग उत्तर करेंगे। आपको दिया है राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश,
उसके राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल चारों में से किसी एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिए कि जो है आपके हाईकोर्ट का न्यायाधीश जो होगा अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा। तेजी से उत्तर करना है आप सभी को। और आप सभी से एक बार फिर से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करेंगे दोस्तों तो ये ठीक बात नहीं है। हमसे आप लोगों का कोई विवाद नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। यदि कोई मनमुटाव है तो आप लोग दूर कर लीजिए, अपनी शिकायत हमसे कर लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है इसमें। चलिए उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए। चलिए तो आप सभी का उत्तर राष्ट्रपति के लिए होना चाहिए क्योंकि पिछले ही प्रश्न में मैंने आपको अभी ध्यान दिलाया है। रविंद्र कुमार जी ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, ये ठीक बात नहीं है। पिछले ही प्रश्न में मैंने आपको बताया कि जिस रीति से जो है वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हटाया जाएगा उसी रीति से जो है वो आपके हाईकोर्ट का भी न्यायाधीश हटाया जाएगा। क्योंकि आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है, इसलिए त्यागपत्र भी जो है वो राष्ट्रपति को ही दिया जाएगा। ध्यान से आप लोग सुना करिए, नहीं तो आप लोग जो है इसे ही गलती ना किया करिए। आपका ए विकल्प के लिए उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट का जो है मानस पुत्र, मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। आपको बताना है दोस्तों मोबाइल कोर्ट की का कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया था या मोबाइल कोर्ट के जो है वो संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है। आप लोग उत्तर करेंगे या किसकी सोच थी मोबाइल कोर्ट। आपको न्यायमूर्ति भगवती दिया हुआ है, श्री राजीव गांधी दिया है, एपीजे अब्दुल कलाम दिया है और प्रतिभा पाटिल दिया हुआ है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे दोस्तों। चलित न्यायालय या मोबाइल कोर्ट, इनका थोड़ा सा राष्ट्रपतियों का नाम दिया हुआ है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री का नाम दिया हुआ है। ये जो लिखने वाले लोग होते हैं ना, पेपर टाइपिस्ट जो होते हैं, अंगूठा टेक होते हैं, थोड़ा सम्मान से पढ़ना चाहिए, सम्मान देना चाहिए प्रत्येक नागरिक को। चलिए तो दोस्तों आपके जो है मोबाइल कोर्ट के लिए जो है सबसे पहले सुझाव दिया था आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, और इन्हीं के सुझाव के आधार पर जो है दोस्तों इस मोबाइल कोर्ट की स्थापना जो है आपके 4 अगस्त 2007 आपके मेवात जिले में हुआ था, हरियाणा के मेवात जिले में हुआ था दोस्तों। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और जो है उस समय आपके तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो थे आपको के जी बालकृष्णन थे, तो के जी बालकृष्णन ने जो है वो शुरुआत की थी आपके 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात में। लेकिन जो है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है इसको जो है इसकी बात की थी सबसे पहले, इसका सुझाव जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो है वो दिया था। उत्तर आपका सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प का चुनाव करें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों कि प्रिवेंटिव डिस्टेंशन के अंतर्गत जो है एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। आप लोगों को बताना है कितने दिन तक जो है वो इनको बंदी बना के रखा जा सकता है। निवारक निरोध जो है या प्रिवेंटिव डिटेंशन आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोग बताएंगे निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति के ऊपर बिना मुकदमा चलाए अधिकतम कितने महीने तक जो है वो रखा जा सकता है। आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। आनंद सिंह जी कह रहे हैं प्रश्न को बढ़ाने के लिए बहुत समय लगा दिया आनंद जी आपने, कहते कहते देर कर दी। चलें संतोष पटेल जी सी विकल्प की बात कर रहे हैं 6 माह, रविंद्र जी भी सी विकल्प की बात कर रहे हैं, विजय जी, हनीफ जी सब लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। सुबी सी जी का उत्तर जो है सी विकल्प के लिए 3 मंथ के लिए आ रहा है। चलिए बाकी जो है मोहित जी का भी सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। चलें कमलेश जी भी विकल्प की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत जो है वो किसी व्यक्ति को 3 माह तक जो है वो हिरासत में रखा जा सकता है, इससे अधिक जो है वो नहीं रखा जा सकता है। अनुच्छेद आप लोगों ने 22 को पढ़ा होगा, अनुच्छेद 22(4) में इस चीज का उल्लेख किया गया है, आप सभी को पता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत जो है वो किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक जो है वो उसको बिना सुनवाई के जो है वो आप बंदी बना के रख सकते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो बी विकल्प के लिए जो है अपना उत्तर चुनिएगा। मोहित जी आपका ये प्रश्न जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, इसका सर्वाधिक प्रयोग जो है वो आप ही लोग करते हैं, सेना के लोग जो है इसको सबसे अधिक जो है इसका प्रयोग करते हैं, तो आपसे ये गलती की गुंजाइश जो है वो आपके लिए नहीं है। 3 माह का समय है दोस्तों, आप लोग 3 महीने के लिए अपना उत्तर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला दिया है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक तिहाई न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। हर हाई कोर्ट का जो जो न्यायाधीश है दोस्तों, उसमें एक तिहाई जो हो वो अन्य राज्य से आए, ऐसा सुझाव जो है वो किस न्यायाधीश के द्वारा या किस विधि आयोग के सदस्य के द्वारा जो है दिया गया था, आपको दिया गया है न्यायाधीश पी एन भगवती, न्यायाधीश हिदायतुल्ला, न्यायाधीश एच आर खन्ना और न्यायाधीश जो है वो चंद्रचूड़। तो आप लोग उत्तर तेजी से करेंगे दोस्तों, और तेजी से अपना उत्तर करके आप लोग चलिए। चलें सब लोग उत्तर करें तेजी से। चले तो आप लोग सी विकल्प का चुनाव करेगा, न्यायाधीश एच आर खन्ना जो है ये लोग आठवीं जो विधि आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, उसी में जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी और इन्होंने कहा था कि प्रत्येक हाई कोर्ट में जो है एक तिहाई जो न्यायाधीश है वो दूसरे राज्य से होने चाहिए। ऐसा क्यों इन्होंने कहा था दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा था कि जब सभी न्यायाधीश एक ही राज्य के होते हैं तो राज्य से संबंधित जब कोई मामला होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक ही राज्य के सभी न्यायाधीश हैं जो है वो एक ही तरीके के मतलब सोच जो है उनकी या किसी किसी अवधारणा को राज्य से संबंधित किसी बात को लेके, सरकार के किसी फैसले को लेके सब लोग जो है एकमत हो जाते हैं, आप बहुत आसानी से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए जो है वो न्याय जो है वो प्रभावित ना हो इसलिए जो है अलग राज्य के न्यायाधीश भी जब रखे जाएंगे तो वो जो है इसका विरोध करेंगे। तो आप लोग जो है इसको ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। हाईकोर्ट में जो है वो आपके किसी राज्य के हाईकोर्ट में अन्य राज्य से एक तिहाई जो है वो न्यायाधीश लिए जाए, ऐसा सुझाव जो है वो आपके एच आर खन्ना ने दिया था। आठवीं जो है वो जो आपका विधि आयोग स्थापित किया गया था। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। चलिए तो दोस्तों आपका समय जो है अब यहाँ पे समाप्त हो गया है, और आप सभी के लिए एक बार फिर से याद दिला दूं कि यदि आप सेशन का जो मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है ₹250 का भुगतान करके और आप लोग जो है मेंबरशिप अवश्य ले लीजिए दोस्तों, आपके बहुत काम आएगा। ₹250 आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप लोग जरूर जो है वो एक बार ले लीजिए। अब मैं आप लोगों को बार बार इस चीज के लिए फोर्स नहीं करता हूँ, इसके लिए आप लोग जो है ऐसा ना करें दोस्तों, आपसे ₹250 ही की डिमांड कर रहा हूँ, जो है 2.5 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जो है मेंबरशिप ले लीजिए, उसकी वजह से आप लोगों को नियमित रूप से जो PDF मिलेगा उससे आप लोग जो है अपना रिवीजन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है दोस्तों बात करें तो इसके बाद से आप लोगों को दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों की जो आपकी क्लास है वो शुरू हो गई है। आप लोगों को जो है दोस्तों इस क्लास में नियमित रूप से अभी आप लोगों को जो है डेमो वीडियो एक दो चार वीडियो अभी मिलेगी, आप लोग जो है देख लीजिए इत्मीनान से, लेकिन यथाशीघ्र आप लोग जो है अपना एडमिशन ले लीजिए। आप लोग इसके लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है वो ₹1499 किया गया है, तो आप लोग ₹1499 का जो है वो भुगतान करके और आप लोग जो है इसमें जो है अपना नामांकन करा सकते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस क्लियर कर दिया है, क्या क्या चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप लोग जो है इसको जरूर, और इसके बारे में यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मोबाइल नंबर आपको जो है दिया हुआ है 7007701847, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करके और जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। फिलहाल के लिए अब आप लोग मुझे अनुमति दे दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप लोग जो है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप सभी से निवेदन है कि एक एक बार जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। फिलहाल के लिए आप लोग अनुमति दीजिए, आप लोग भी जो है दोस्तों जब इस समय से जो है अपने कार्य में जो है लग जाइए, यदि सोना है तो सो जाइए, पढ़ना है तो आप लोग बैठ के पढ़िए। अब चलते हैं दोस्तों, आपसे सुबह मिलता हूँ 8 बजे की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों को गुड नाइट, शुभरात्रि, जय हिंद।